यूक्रेन से भारत लौटी देवास के बालगढ़ में निवासरत शिवानी प्रजापति ने यूक्रेन से भारत तक पहुंचने के सफर की दास्तान सुनाई। बात करने के दौरान शिवानी कपकपाने लगी। शिवानी ने बताया कि ऐसा मंजर अब कभी जीवन में देखने को नहीं मिले। अपने घर पहुंचने पर शिवानी ने खुद को सुरक्षित महसूस किया, वहीं हिंदुस्तानी होने पर उसने खुद पर गर्व जताया। साथ ही देवास विधायक गायत्री राजे पवार और बालगढ़ के पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी को यूक्रेन से भारत पहुंचाने में जो मदद की उसके लिए दिल से धन्यवाद दिया। दरअसल बालगढ़ की रहने वाली शिवानी प्रजापति यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। शिवानी सेकंड ईयर की छात्रा थी। इसी बीच इधर युद्ध के चलते स्थिति बिगड़ी और सभी छात्रों को घर लौटने की चिंता लगने लगी। शिवानी ने बताया कि देवास अपने घर पहुंचने के लिए पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी से बात की। उन्होंने सबसे पहले परिजनों से बात करवाई और आश्वस्त किया कि जल्द ही भारत आने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद विधायक गायत्री राजे पवार ने वीडियो कॉलिंग पर बात की और आश्वासन दिया कि जल्द सुरक्षित भारत बुला लिया जाएगा। शिवानी ने बताया कि बॉर्डर पर 4 दिन रहना पड़ा, जो सबसे बुरे दिन अभी तक के जीवन में देखने को मिले। यूक्रेन से बस में बॉर्डर से पहले 20 से 25 किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया था, जिसके बाद लगेज के साथ पैदल ही बॉर्डर तक आना पड़ा। पैदल बॉर्डर तक आने की पीड़ा बताना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लगेज तो अत्यधिक वजन होने के कारण रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। इस दौरान शिवानी गिर भी गई और घायल भी हो गई। वहीं बॉर्डर पर 4 दिन तक बर्फबारी में -10 डिग्री के तापमान पर रहना पड़ा। किसी की तरफ से पानी तक का इंतजाम नहीं था, जो खाने पीने का सामान उसी से गुजारा करना पड़ा। बॉर्डर पार करने के बाद इंडियन एजेंसी जल मिली, जिसके बाद फिर सभी दिक्कतें दूर हो गई। शिवानी ने बताया कि वह गुरुवार रात 8:30 पर इंडियन मिलिट्री को कार्गो फ्लाइट से दिल्ली आई, जिसके बाद शिवानी को स्टेट गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया और इंदौर फ्लाइट से पहुंचाया। शिवानी ने बताया कि बॉर्डर पर रहने के कारण उसकी तबीयत भी बिगड़ गई और अभी भी शिवानी यूक्रेन से भारत लौटने की दास्तान सुनाते हुए कपकपाने लगती है। भारत लौटने को लेकर शिवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। ये लड़की फंसी हुई थी, आज विधायक जी मिलने के लिए ही क्या है? शिवानी जो यूक्रेन में पढ़ रही थी, MBBS की पढ़ाई कर रही थी, वो कल रात को आई और उनकी लगातार चर्चा हो रही थी। और जब वो आई तो राजमाता जी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और वो आज सुबह सुबह यहाँ पे शिवानी से मिलने आई। क्या बोला विधायक जी से, क्या चर्चा करी? विधायक जी से पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में लेकर पूरी चर्चा हुई और उन्होंने शिवानी ने बताया कि राजमाता जी से बात करने के बाद वो काफ़ी उत्साहित नज़र आई और उसके बाद उनको जो डर था वो भी उनसे बात करने के बाद खत्म हुआ। प्रसाद जी बताएं, आपके क्षेत्र की बच्ची थी, कैसे परिवार था इसका और ये गई थी, तो सबसे पहले आपसे इसके परिवार ने, आप उनके पास गए थे कि परिवार आपके पास आया था पहले? नहीं, पहले पता था कि शिवानी वहाँ पढ़ने गई है और जब जैसे मुझे पता चला कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई चालू हुई तो मैं तुरंत इनके पास आया, मैंने बातचीत की। मतलब शुरुआत आपने करी? शुरुआत मैंने करी है, उसको बातचीत करी, फिर मैंने राजमाता जी को अवगत कराया। उन्होंने बोला कि यार मेरी बात कराओ बच्ची से या उनके परिवार वालों से। फिर मैंने इनकी बात करी और वीडियो कॉलिंग पर शिवानी की भी बात, जो ज़्यादा शेयर हुआ था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया में काफ़ी जो शेयर भी हुआ और उसके शिवानी को काफ़ी हिम्मत भी बनती है उसके बाद। आज कैसा महसूस कर रहा है आपका पूरा वार्ड क्षेत्र और क्या खुशियां मनाई जा रही हैं? सब खुश है कि हमारे वार्ड की बच्ची सुरक्षित लौट आई और सब लोग खुश है, आज मिठाइयाँ भी बांटी गई सब लोग। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं मोदी जी को, भारत सरकार को और हमारी राजमाता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सक्रियता से उसको लिया और शिवानी हमारी जो वार्ड की लड़की है वो बताएं जी, बताएं आपकी विधानसभा क्षेत्र से कितने छात्र उम्मीदवार, कितने छात्र छात्राएं आज पहुंचे हैं और क्या खुशी और किन प्रयासों से यहाँ तक आए हो? आज माननीय मोदी जी की सरकार की पहल से जो हमारे विदेश में फंसे हुए बच्चे थे वो आना शुरू हुए हैं, उसी की कड़ी में ये शिवानी हमारी देवास की बेटी आज घर पहुंची है, उससे मिलने आई हूँ मैं। ऐसे ही एक बच्चा और कल पहुँचेगा, तो बच्चों का आना शुरू हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसके तहत हमें पूरी आशा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक बच्चे को, हर एक सिटीजन को वापस लाकर ही रहेगी। आप बताएं ये जो बच्चा आपसे घर में, क्या इसने बताया, आप भी थी, इसने क्या बताई आपको? इसने बताया कि हर बॉर्डर, हर कंट्री में, रोमेनिया हो या पोलैंड हो, बॉर्डर जहाँ तक लड़ाई चल रही है, जहाँ तक वॉर था यूक्रेन में, वहाँ तो हालत ख़राब थी, पर बॉर्डर पार करते से जिन शहरों में ये बच्ची आई है वहाँ पे मोदी जी के संबंधों के कारण इन बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। माननीय मोदी जी के बच्चे हैं ये जानते से इनकी तरफ
रुख बदल गया था, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, इन लोगों को देते थे ना बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, सब लगा ही नहीं कि हम इंडिया को छोड़ के कहीं और हैं, उस तरह से ट्रीट किया है। और ये मैं मानती हूँ माननीय मोदी जी के रिश्ते सभी कंट्रीज से इतने स्ट्रांग होने के कारण इन बच्चों को आसरा मिला और इन बच्चों को सही सलामत। अभी हमने देखा आपने बच्ची के हाथ में हाथ रख के काफी देर बैठे रहे, उसको ढलासा दे रहे, वो बच्ची अभी भी घबराई हुई है, अभी भी हाथ उसके कांप रहे थे, अभी भी कांप रही है वो, जो जब बयान कर रही थी वो जिस दिक्कत से निकली है वो बताते हुए वो उसके हाथ कांप रहे थे। छोटी सी बच्ची है तो इतनी बड़ी परिस्थिति से निकल के आई है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा डरी हुई हो। मैं मध्य प्रदेश के देवास सिटी में रहती हूँ। मैं यूक्रेन के टर्नोपिल सिटी में मेडिसिन की स्टडी करने गई थी, एट प्रेजेंट मैं सेकेंड ईयर में थी। और वहाँ पे जैसे हम लोगों को पता चला कि एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैक्स वगैरह हो रहे, तो हम लोगों ने सोचा कि हमको इंडिया जाना चाहिए। बट जैसे वहाँ युद्ध का माहौल था, ऐसे अकेले निकलना या फिर बिना किसी सिक्योरिटी के निकलना बिल्कुल सेफ नहीं था, क्योंकि वो लोग ये भी नहीं देख रहे थे कौन है कौन नहीं, डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर रहे थे। फिर हम लोगों को यहाँ पे मेरी यहाँ पे जो भी थे लाइक मध्य प्रदेश सरकार थी और यहाँ के पूर्व पार्षद थे, उन लोगों से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। उन लोगों ने मेरी यहाँ के विधायक से बात करवाई, यहाँ के सांसद से बात करवाई, फिर मुझे उन्होंने बहुत सांत्वना दिया कि तुम बिल्कुल सुरक्षित घर आ जाओगे, बिल्कुल डरना मत, अपने आप को स्ट्रांग रखना। और इंडियन फ्लैग के साथ मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैं इंडियन फ्लैग के साथ बॉर्डर क्रॉस की और बिना किसी परेशानी के। बस बॉर्डर पे हम लोगों को परेशानी हुई क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, स्नोफॉल काफी ज्यादा था, खाने पीने का आपको यहाँ तक आने में कितने सात दिन लग गए। सात दिन वो कैसे निकले आप? सात दिन पे जो बॉर्डर पे थे वो तो बहुत ज्यादा थे, तीन रात और चार दिन मैंने बॉर्डर पे निकाले हैं, तो वो तो मैं भूल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो हमारे पास स्नैक्स थे बस वही हमने खाए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और कुछ शेल्टर वगैरह। अब आप सुरक्षित घर पहुँच गई हैं, किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी सरकार को, फिर मेरे स्टेट की सरकार को, सांसद को, विधायक को, मेरे इधर बालगढ़ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।